नगर जिले के खटीमा ग्राम में चकरपुर के पचौरिया में 28 दिन की बच्ची के गायब होने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच शक को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। घटना की रात झगड़े के दौरान बच्ची के रोने पर मां ने उसका मुंह दबा दिया और इसके चलते उसकी मौत हो गई। बाद में पति पत्नी ने मिलकर बच्ची के शव को शारदा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने बच्ची की हत्या के जुर्म में पति गोविंद प्रसाद और पत्नी निशा को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के पिताजी के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि 15 तारीख की रात्रि के समय कोई अज्ञात व्यक्ति बच्ची का अपहरण कर करके ले करके गया है, जिसकी उम्र करीब 1 माह है। इस पर हमारे द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना आरंभ की गई। गहराई से जांच पड़ताल करने पर हमें यह ज्ञात हुआ कि पति पत्नी के बीच कुछ आपसी मनमुटाव भी रहता है। दोनों के द्वारा प्रेम विवाह किया गया था 2 वर्ष पूर्व। इसी कड़ी में जब इनसे गहराई से सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया। मृतका की माता के द्वारा मृतका बच्ची का गला दबा करके हत्या बढ़ते आगे